welcome to a fabulous evening right here. So we are all present over here to launch the second edition of Mrs. India Universe 2018. Yeah, continue. Let me come back once again. We are all over here to launch the second edition of Mrs. India Universe 2018. So before we go forward, let's have the curtain down to see the launch. Can I have a big round of applause for it, please? हाँ जी हेलो हेलो माइक की रेंज नहीं आ रही क्या गाऊं यार मुझे कुछ सजेस्ट करो ठीक है सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे संजना तेरे बिना संजना तेरे बिना साडा कल्या जी नहीं लगदा साडा कल्या जी नहीं लगदा सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे फिरास ना आया रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा इसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी रात बाकी है वो जो अधूरी सी बात बाकी है होती किसी भी लड़के के लिए यार हमेशा लड़कियों के बीच में घिरे रहो इतनी सारी एक साथ Mrs. India Universe 2018. I'm not hosting this place. Okay, right. All right. So yeah. So I think this is a very good move. And जहाँ तक आप लोगों को पता है कि आपकी life कितनी बदली होगी इस pageant के बाद. And it is such an event जहाँ पर कोई criteria नहीं है. And this is the best part of the event. जहाँ पर आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि शायद अगर मैं part लूँ कि नहीं लूँ. And I think औरतों में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकती है आई एम टॉकिंग इन द सेंस वेर यू नो आपकी पावर आपके हाथ में है व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट आपको कोई आपके हाथ में पावर देगा नहीं वो आपके अंदर ही है आपको रियलाइज करना है आप उसे कैसे यूज करें और कैसे स्टैंड अप करें अपने लिए
आपको कहा जाता है कि शादी के बाद आप ये नहीं कर सकते, शादी के बाद आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, या शादी के बाद आप ये नहीं करना वो नहीं करना, बट यू आर द वन हु डिसाइड्स इट. यस, कीपिंग इन माइंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल गोइंग अहेड एंड डूइंग वट एवर यू फील इज राइट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. एंड आई थिंक दिस पेजेंट हैज हेल्प्ड यू एज वेल एज अ इंडिविजुअल ग्रो एंड ग्रूम योर सेल्फ. एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यू नो जो जो विनर्स हैं उनके बावजूद, जो विनर्स नहीं थे इन इन पेजेंट्स में इससे पहले, वो लोग खाली हाथ नहीं गए हैं, बिकॉज दे हैव ग्रूम देम सेल्फ सो वेल बिकॉज ऑफ द पीपल हु हैव ट्रेन्ड देम, एंड वो आपको आगे लाइफ में बहुत काम आएगा. एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, देयर इज अ लॉट मोर टू कम, एंड नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस एंड द ब्यूटिफुल साइड ऑफ यू विच हैज ऑलवेज बीन देयर विद यू, नेवर लीव दैट. एंड आई थिंक यू ऑल आर ब्यूटिफुल इन एंड आउट. Thank you. Bhumika Gaurang and Archana Tomar. India's pageant, and are here for the launch of This Is India Universe. This is the second edition, and I congratulate Archana ji and Tushar ji for this beautiful event which they are carrying for last 2 years, and all the best to them. बहुत ज़्यादा कभी बोला नहीं है माइक पे, बाकी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वुमेंस पे की तरफ. थोड़े दिन में हमें लग रहा है कि मैन एम्पावरमेंट का भी एक प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा दिन नहीं रह गए, थोड़े दिन है इसमें. तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द कंटेस्टेंट जो इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. सो एवरीबडी आई थिंक हैज ग्रीटेड ऑल द प्रीटी लेडीज ऑन द हाउस. वी यूज टू प्ले म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू, वी यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू. Actually sitting on, when you're sitting on like 120 albums, movies, then you feel like to dedicate few lines here to all of you ladies. Jai Shankar Prasad ji ne kaha tha ki nari tum keval shraddha ho, vishwas rajat nabh pat tal mein, piyush sot si baha karo, jeevan ke sundar santal. Archie's Mrs. India ka finale Jaipur mein kiya hai. और उसके जो विनर्स हैं वो भी आज आपके सामने सब आएंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक इवेंट है जिसको लॉन्च करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो. ये कहाँ होने वाला है, वेन्यू क्या है, और बताइए. ये सस्पेंस है, ये आज नहीं बता सकते अभी. अच्छा. इसका लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग के बाद आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आपको जगह रखनी चाहिए ना. सब आज पूछ लोगे तो लॉन्च वाले दिन क्या करेंगे आप. सर बॉम्बे में कहाँ पे होगा? सही, नहीं बॉम्बे में नहीं होगा, इंडिया में होगा. सर आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे इस कंटेस्ट मिसेस इंडिया यूनिवर्स, यू नो मैरिड वुमेन के लिए बेसिकली, तो कितना ज़्यादा यू नो एक मैरिड वुमेन को कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा कि कोई कोई फैशन शो या कोई इस तरह के ग्लैमर्स इवेंट में पार्ट लें. देखिए मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है आज इसका तीसरा साल है, और सवरवाल जी पिछले तीन सालों से इसमें बहुत अच्छा उन्होंने भी जयपुर में परफॉर्म किया, बहुत बहुत लेवल का हुआ, वहाँ की मीडिया ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें दिया है. तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सवरवाल जी को और पूरी टीम को, और जो फाइनल में हुए हैं वो भी अभी यही हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छे लेवल पे हुआ है, बहुत ही अच्छा होगा. और आगे अब ये शुरुआत हुई है तो इससे और बेहतर होने की कुछ हम प्रयास करेंगे, कुछ सवरवाल साहब इसमें लगे पड़े. आपसे चाहूँगा आपका क्या विजन है, आपका क्या व्यू है इसको लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, दिस इज मी दानिश अल्फाज, और आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. सर राकेश सर को मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ, और अभी अभी मैं उनके साथ एक मूवी में भी काम कर रहा हूँ जिसका नाम है द जर्नी ऑफ कर्मा, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर कंपोजर. तो सर मैं हमेशा से पिछले कुछ शोज़ भी मैंने देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यंग
को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यहाँ इस शो में वो मिसेज जो ऑलरेडी मैरिड वुमेन्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आई एम रियली सो हैप्पी। तो सर से मैं हमेशा सोचता था कि मैं भी इस स्टेज का एक पार्ट बनूं, तो आज मैं हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम लोग इंटरनेशनली कंटेस्टेंट को लेते हैं, जो इंडियंस वुमेन हैं जो बाहर रहती हैं उन वो लोग हमारे आती हमारे पैजेंट में आती हैं, उनका ऑडिशन होता है और 5 राउंड से उनको निकलना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया और मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा, प्लेटफॉर्म कैसे मिला सबसे पहला? बेसिकली क्या था, अर्चना तोमर खुद एक मिसेज यूनिवर्स है, इनका टाइटल है मिसेज नॉर्थ सेंट्रल एशिया। तो जब ये वो टाइटल वहाँ से मिसेज यूनिवर्स चाइना से जब ये जीत के आए, तो उनके बाद इनको खुद लगा, बिकॉज शी इज़ अ सोशल वर्कर, तो बहुत अच्छे इस तरीके के काम करते हैं, तो उनको लगा कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके के प्लेटफॉर्म के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया। राइट मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने प्लेटफॉर्म के बारे में? चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बिकॉज एक हाउसवाइफ को घर से निकलने में बहुत तकलीफें होती हैं, उनको अपनी फैमिलीज मैनेज करनी पड़ती है, उनको अपने बच्चे मैनेज करने पड़ते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करके बैलेंस करके आगे बढ़ना, तो उन लोगों को बस यही चीज़ दिखाई जाती है कि अपनी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। सर आप क्या कहना चाहेंगे पेजेंट के बारे में? बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू महिलाएं जो कुछ करना चाह रही हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ। प्लेटफॉर्म तैयार है, एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार फिर आ रहे हैं, तो इंटरनेशनली इंडिया से तो आ ही रही हैं वुमेन, मैरिड वुमेन, इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज मतलब बाहर से फॉरन कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, तो कोशिश यही है कि उनको उनके एक पाथ मिले, राइट पाथ, और उनको जो करना है उसके लिए। लास्टली कितने कंटेस्टेंट होंगे इसमें और किस तरह से उनका चुनाव किया जाएगा? इसमें हमारे सम ऑफ अराउंड 40 कंटेस्टेंट रहेंगे और हमारे इसमें 2 कैटेगरी है, एक हमारी प्लैटिनम कैटेगरी है जो 20-35 है, एक कैटेगरी हमारी गोल्ड कैटेगरी है जिसका 35-50 है, दोनों कैटेगरी में 20-20 कंटेस्टेंट रहेंगे। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया इसमें 15 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो उनके सिटी ऑडिशन या कंट्री ऑडिशन के बाद वो लोग इंडिया आएंगे। इंडिया में हम लोग इसके 20 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं और हमारे ऑडिशन के 3 प्रीमियर राउंड हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है, कैटवॉक राउंड है और टैलेंट राउंड है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है स्पेशली शादीशुदा औरतों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2018, तुषार जी, मनीष जी, अर्चना जी, इनको मेरी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इन लोगों ने इस इवेंट के बारे में सोचा, क्योंकि हमारा समाज जो है वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और यहाँ पर अगर, और हम सभी इस बात को जानते हैं, जिस घर में औरत प्रमुख होती है तो वो घर तरक्की करता है, जिस मर्द के पीछे औरत होती है वो तरक्की करता है। सो इफ़ द वुमन ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग द हाउस प्रॉस्पर्स, तो अगर औरतों को हम इसी तरह एम्पावरमेंट देंगे, एनकरेजमेंट देंगे, आई एम श्योर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। एंड जो क्राइम इस समय ख़ास तौर पर आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं जब हमारे देश में औरतों के विरुद्ध क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारी लड़की जो है, हमारी वुमेन जो है वो पावरफुल रहेगी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री। एंड आई एम श्योर यही शुरुआत है, अब ये इस स्टेज पर अगर आप कहेंगे कि मैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत छोटी होती है, वो अंत कहाँ पर होगा ये हम नहीं जानते, बट एट दिस टाइम मैं आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दिस रियली बिकम्स अ बिग वेंचर। थैंक यू। जी सबसे पहले आप सबको नमस्कार, मैं यही बोलना चाहूँगा मिसेज इंडिया यूनिवर्स का आज सेकंड एडिशन का जो ओपनिंग हो रहा है, सो आज लॉन्च है इसका, तो मुझे जितना पता है कि मैं लास्ट टाइम उदयपुर में जो लास्ट टाइम फिनाले हुआ था वहाँ मैंने परफॉर्म भी किया था उदयपुर में, और वहाँ मैं था भी एज अ जूरी भी था, सो हमने बहुत फ़न किया, बट उससे पहले जो ये बात है जो हमें नहीं पता कि ये बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, ये तुषार भाई अलीवाल बहुत मेहनत करते हैं, सारे कंटेस्टेंट को बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये एक अच्छी बात भी है जो मैरिड वुमेन है जिनके पास लाइफ का सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनको बहुत मोटिवेट मिलता है, सो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया आइडिया, और बेस्ट विशेज़ टू होल टीम। थैंक यू सो मच।
कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आज महिलाएं यहाँ पर आने वाली? अच्छा ठीक है, मेरा अभी 1 जून को मेरा एक सॉन्ग आ रहा है इंट्रोवर्ट, सो अभी अनरिलीज है, बट मैं आज उसकी 2 लाइनें गा देता हूँ यहाँ पे। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिलजुल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिलजुल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया। लास्ट ईयर भी मैं इसी तरह के इवेंट पे आया था, पर चूंकि जो बेसिक थॉट है वो इतना अच्छा है, कॉज इतना अच्छा है कि इसको आके यू फील गुड, यू फील प्राउड टू एसोसिएट विद। और जिस तरह से ये इवेंट है, इस तरह के इवेंट के इनिशिएटिव लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारे राकेश जी सबरवाल साहब बहुत एंथुजियास्टिक प्रोड्यूसर हैं, तो ये इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं, और हमारा तो हमेशा जो इस कॉज पे कोई कुछ भी होता है उसके लिए तो ऑलवेज भी आते हैं। आपको लगता है ये बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये छोटा और बड़ा, क्योंकि वो बड़ा अपने आप होगा ही होगा, प्रयास आपका हमेशा रहना चाहिए। तो जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि इस तरह के इवेंट्स और इनिशिएटिव्स जो हैं दैट लीड्स टू यू टूवर्ड्स अ गुड कॉज, तो वो बड़ा हो ही जाएगा, अच्छा कॉज तो बड़ा होगा ही होगा। आई थिंक अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस फॉर स्पेशली मैरिड वुमेन इज अ वेरी यू नो बहुत ही एक कॉन्फिडेंस देने वाला और एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी वाला एक प्लेटफॉर्म है, बिकॉज सम मोस्ट ऑफ पीपल यू नो दे हैव दिस बिलीव कि शादी के बाद औरतों की लाइफ ख़त्म हो जाती है, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेज वेयर दे कैन गो अहेड एंड जस्ट यू नो फील कॉन्फिडेंट इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड हैविंग बेबीज एंड यू नो फील बींग कॉन्फिडेंट इन हाउ एवर दे लुक इवन नाउ, बिकॉज आई थिंक देर इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ हैविंग यू नो अ कंटेस्टेंट ओवर हियर, दिस एनी वन कैन पार्टिसिपेट हू एवर फील they're confident and beautiful within and out, like, so I think ye bahut hi acha ek initiative and the last event that we had in Jaipur I had specifically mentioned it over there as well ki ye bahut acha move hai because you know at times you know you lose self confidence when especially women who get married and they feel ki ab to hum acche nahi lag sakte hai, ab hamari life nahi hai, but I think this is just another way of you know help making them realize that you know there is lot more see ki through itni opportunities को मिल सकती है that that can change their lives. Nowadays, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि लोग का सोच कितनी बदली है इसको लेके कि शादी का औरत भी you know I think definitely it has changed over these years and because एक time था जहाँ पर शादी ही main motive होता था एक लड़की का 18 या 19 साल के बाद, and उसका आगे की जो aim था वो था बच्चे संभालना और घर संभालना, but when even that is a job for a woman and there have been times where you know now जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अभी ऐसा टाइम आया है जहाँ पर औरतों ने उससे हटकर चीज़ें करना स्टार्ट की है, they started working, they started building their careers, they started doing things which they could not do before marriage and you know I think we should they should also thank their husbands because वो उनके हस्बैंड को इतना समझते हैं कि वो करने देते हैं उन्हें, and जो over the period of so many years these times have changed, I think that's a very good move and it's quite you know I would say I feel very happy when I see women succeeding, especially married women and single mothers who do it all on their own, and it feels really good ki hamare country mein bhi ab you know we have moved ahead, we're still not there and but there are some parts as well that we still have to work on, but it's just a first step, I think we have a lot more to work on. खुद ही एक डिजाइनर हूँ और मेरे जितने भी ड्रेसेस होते खुद के डिजाइन किए हुए हैं। और कुछ बताए ना इसके बारे में कहाँ से बनाए जो ज़्यादा एक्चुअली ने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे एंड शी ट्राइड लॉट ऑफ ड्रेसेस एंड उनको रेड पसंद आया तो उन्होंने रेड पहन लिया अपने मुंह के साथ। करेक्ट, मैं मिसेस इंडिया में भी जज थी एक, तो मैंने पूरा के पूरा पैजेंट एक्सपीरियंस किया है एंड सारे कंटेस्टेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही टैलेंटेड थे और बहुत ही करेजियस थे, बिकॉज आज भी हमारी कंट्री में मिसेस इंडिया जैसा कॉन्टेस्ट
करना और उसके लिए इतने सारे कंटेस्टेंट्स दूसरी दूसरी स्मॉल टाउन से भी इकट्ठा करना जिनके फैमिलीज उनको सपोर्ट करें उनको, तो आई थिंक दैट इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट. और ऑफकोर्स जो बेस्ट कंटेस्टेंट्स थे दे वन ऑल्सो, एंड अब ये मिसेज यूनिवर्स का है तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिन्होंने भी ये अचीवमेंट की है वो और आगे जाएंगे एंड दे विल अचीव इवन मोर. नहीं नहीं मैं इसी साल के मिसेस इंडिया पैजेंट को जज किया था, नॉट पिछले साल के. इन्होंने हमारा पहला पैजेंट किया था आज एज मिसेस इंडिया जज, नाउ शी इज लाइक अभी हमारा मिसेस इंडिया यूनिवर्स है. या सो मैंने अभी आई थिंक 15 डेज बैक ओनली व्हिच वाज हेल्ड इन जयपुर क्लार्क्स होटल में हुआ था, तो वहाँ पर आई वॉज वन ऑफ द जज एंड द पैजेंट वॉज रियली गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटैलिटी वाइज अरेंजमेंट्स एवरीथिंग वॉज सुपर्ब और मोर देन एक्सपेक्टेड इन फैक्ट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड अर्चना ऑल्सो फॉर दैट दैट यू नो यू गाइज पुट अप अ वेरी गुड शो टुगेदर. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज ऑल्सो एंड ऑफकोर्स द कंटेस्टेंट्स अगेन वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ गुड इवेंट. तुषार सर मेरा सवाल आपसे है चलते चलते जी, आप मिसेस इंडिया ही क्यों करते हैं, मिस्टर इंडिया क्यों नहीं करते? सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरी पार्टनर जो है ना वो खुद एक मिसेस यूनिवर्स है, तो वो भी उनकी गलती है शायद, वो मिसेस थी और उन्होंने मिसेस यूनिवर्स किया और उन्होंने आगे मिसेस का ही शो करना पसंद किया. ब्यूटीफुल सिंगर चित्रलेखा सेन इन फ्रंट ऑफ यू. सो टुडे इज मिसेस इंडिया यूनिवर्स ग्रैंड लॉन्च. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादीशुदा औरतों के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड जो औरतें कुछ नहीं कर पाती है शादी के बाद उनको करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे. और आई थिंक मैं भी ये चाहती हूँ जब मैं शादी करूँ ऐसे प्रोग्राम्स आते रहे लाइक. सो थैंक यू. मैरिड वुमेंस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और वुमेन एम्पावरमेंट की जो इस टाइम बात की जा रही है उसका उसके लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा. या बिकॉज कुछ वुमेंस नहीं कर पाती है, कुछ शो नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है, सो उनको एक मौका मिलेगा आई थिंक कि उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शादी के बाद कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनको रास्ते नहीं मिलते आगे बढ़ने के, तो वो अपने सपने दबा देते हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म के सामने आने से उनको एक पावर मिलती है जो इनर पावर होती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और स्टेप बढ़ाते हैं. क्योंकि आप एक सिंगर हैं, कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहे आज जो यहाँ पे महिला आने वाली है तो. श्योर मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है, सो मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब हर जगह वही गाती हूँ. आई थिंक ये लाइक जो चंचल गर्ल्स होती है जो लाइक इधर उधर घूमती रहती है मस्ती में रहती है, तो उनके लिए और मेरे लिए भी मैं मोस्टली ये गाना गाती हूँ. क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे क्यों ना हम तुम तराशे बगीचों में उल्फत भरी छावरी, चल भटक लेना बावरे इन टिमटिमाती निगाहों से इन चमचमाती अदाओं से, लुके हुए छुपे हुए क्या तेरा हाल बावरे. थैंक यू. जी पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि मैरिड वुमेंस मिस इंडिया यूनिवर्स में भाग ले रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आजकल तो पति लोग तो अपनी वाइफ को इधर उधर जाने नहीं देते, बट ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है. पहले इनका इवेंट था जयपुर में जो मिसेस वर्ल्ड के लिए था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा. अभी मिस इंडिया है यूनिवर्स है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया है एज अ गेस्ट. इसके अलावा आपको लगता है कि वुमन एम्पावरमेंट पे मिस इंडिया यूनिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है मैरिड वुमेंस के लिए? जी बिल्कुल करने वाला है, कि देखिए आजकल तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे ओलंपिक्स में भी देखिए कितनी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ पे तो मिस यूनिवर्स है, तो हमारी देखिए अच्छी अच्छी शादीशुदा मैरिड वुमेंस आई हैं यहाँ पे, और
अच्छी वो कर रही हैं तो बहुत अच्छा।